टॉक्सिन का एंट्री होने से, टॉक्सिन जाने से, कचरा जाने से, गंदगी जाने से हमारा शरीर के अंदर में बीमारी आता है। बीमारी होने का दूसरा कारण है माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण। माल न्यूट्रिशन मतलब हमारे शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए, जो पोषण चाहिए, विटामिन, प्रोटीन, सभी तरह के मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ये सभी हमारे शरीर को जो चाहिए वो ना मिलने के कारण से हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है। खुराक की कमियां, न्यूट्रिशन की कमियां, उसी को कुपोषण, खून की कमियां, उसको कुपोषण बोलते हैं। हमारा शरीर का खुराक है, जिस तरह से अगर आप देखें कि मोटरसाइकिल का खुराक है, मोटरसाइकिल का खुराक है कि नहीं, क्या अपने चलता है, क्या है, चावल दाल लागे उसके इंजन में, चलेगा कि नहीं चलेगा, किसने चलेगा, पेट्रोल। जितने भी चीज चलने वाले हैं, होने वाले हैं, सभी का खुराक है। अस्थिर है उसको खुराक नहीं मिलेगा, तो चाहे हवाई जहाज भी, उसके लिए भी ईंधन चाहिए, मोटरसाइकिल भी, उसको भी चाहिए। और अगर सही खुराक डालेंगे तो सही समय पर खराब होगा, अगर गड़बड़ उसके खुराक डालेंगे तो कभी भी खराब हो सकता है, नहीं हो सकता है। जिस तरह से मोटरसाइकिल का खुराक पेट्रोल है, अगर पेट्रोल डालेंगे तो कंपनी ने उसके लिए 5 वर्ष का लाइफ दिया उस इंजन का, 5 वर्ष कुछ होने वाला वो चलता ही नहीं, 5 वर्ष कंपनी बोलता है इस इंजन का 5 वर्ष वारंटी दे रहे, बस आते इसमें सिर्फ पेट्रोल डालो, क्या डालना, कितना वर्ष की वारंटी है, अगर पेट्रोल हम डालते जाते हैं तो 5 वर्ष चलता है कि उससे ज्यादा चलता है, ज्यादा चलता है, नहीं चलता है। लेकिन वही मोटरसाइकिल का इंजन में आप उसके टंकी में पेट्रोल के जगह पर डीजल डालिए, क्या डालिए, 5 वर्ष चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा सर, क्योंकि वो भी ईंधन है, ये भी ईंधन है, दोनों फ्यूल की कैटेगरी में आता है, चलेगा लेकिन दुकान में चलेगा, कहां पर बंद होगा जो कोई पता, दोनों ईंधन है ना, जैसे कि डीजल इंजन है, किरासन पे चलता है कि नहीं चलता है, जनरेटर चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन जितना दिन चलना चाहिए उतना दिन चलेगा नहीं चलेगा। यानी कि खुराक जरूरी है, हमारे शरीर का भी कुछ खुराक है, अच्छा इसमें पेट्रोल डाल दीजिए, चलेगा, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, 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 चलने वाला नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा शरीर का एक खुराक, अच्छा मोटरसाइकिल में चावल दाल मच्छी सब डाल दीजिए उसके टंकी में, चलेगा नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, खुराक नहीं, क्यों दूसरा खुराक नहीं है। अब उसी तरह से हमारे शरीर को भी खुराक है, हमारा शरीर का खुराक क्या है, हमारा शरीर का खुराक है जिस सभी तरह के विटामिन, प्रोटीन, सभी तरह के मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सभी हमारे शरीर का खुराक है। हमारा शरीर को पेट्रोल और डीजल नहीं चाहिए, हमारा शरीर को चाउमीन, रॉ बर्गर, पिज्जा, इडली, समोसा, डोसा नहीं चाहिए। हमारा शरीर का खुराक वही है जिस भी खाने या पीने वाले चीजें के अंदर में कोई ना कोई न्यूट्रिशन है, कोई ना कोई पोषक तत्व तो है, वो हमारा खुराक है। चाउमीन आप लोग जानते हैं, नूडल्स खा रहे हैं ना, उसके अंदर में कौन सा पूरा न्यूट्रिशन है बताइए, कौन सा विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, क्या चीज है उसके अंदर, कुछ भी नहीं। तो हमारा शरीर में वो खुराक है कि कचरा है, खुराक है, सिर्फ उससे तेज मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा, टाइम भर जाएगा और उससे कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि हमें मालूम है, हमने 2010-11-12 3 वर्ष के अंदर में हो सकता है 1-8 ट्रक नूडल्स खाएंगे ट्रक से। कोई ऐसा दिन नादान नहीं होगा जिस दिन हम डिनर के टाइम में बर्गर, पेटी जैसा भी नहीं खाते, रेस्टोरेंट में नहीं, वही तो गड़बड़ हो गया, समझ में आ गया ना। आप कुरकुरे बच्चे को देते हैं, कुरकुरे देते हैं ना, अरे कौन सा न्यूट्रिशन उसके अंदर है, कुछ भी नहीं, कुछ भी है आप जब कोई भी न्यूट्रिशन नहीं किसी भी खाने वाले या पीने वाले चीज में, उसको क्या बोला जाता है, कचरा।
जिस हमारा शरीर के अंदर में, अच्छा ये बताइए इस रूम में इसको हम कचरा बोल सकते हैं? नहीं, ये इस रूम की शोभा को बढ़ा रहा है। ये कचरा है? नहीं। ये एलईडी ये कचरा हो सकता है? नहीं, इससे आपको मदद मिल रहा है, इसके लिए जरूर। ये हमारा काम का चीज है, जो काम का चीज है वो कचरा नहीं है, नहीं है। जो काम का चीज है वो कचरा नहीं है। यहां पर एक अभी यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर अभी लाकर के नाला वाला मिट्टी लाकर के रख दीजिए, देखो केला का छिलका लाकर के रख दीजिए। अच्छा, वो कचरा है कि हमारे जरूरत का चीज है? कचरा है। आप यहां पे बेदाना का अनार का छिलका लाकर के रख दीजिए, वो हम अभी है, यहां पर यहां पे रख दीजिए। ये कचरा है कि सही, इसका कोई जरूरत है? केला का छिलका जरूरत है, ये क्या हो गया? कचरा। यानी कि हमारे शरीर में जो जरूरत का चीज है वही हमारा खुराक है, बाकी जिससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता वो सभी क्या है? चाउमीन भरा बर्गर पिज्जा कुरकुरे फुरफुरे काची कौची मिलता है, इससे वो सभी वेस्ट है। पैसा बर्बाद होना और कुछ होने वाला नहीं है। ये अब हमको समझ में आता है, लेकिन पहले जब हम पढ़ते थे कॉलेज में थे तो ये सब आता था, नहीं यार चावल दाल दूध ही गड़बड़ है, ये समझ लो। दूध क्या है? दारू पीने वाला, नशा कर रहे दारू सुखा वाइन शराब, शराब पीने वाला से पूछे कि दूध बढ़िया है कि शराब बढ़िया है, क्या बोलेगा? दूध पीने का नहीं है यार, शराब की उतना पैसा अच्छा पावा आ जाता है, सही बात है। लेकिन कचरा कौन है? दूध कचरा है कि दारू कचरा है? हमारे शरीर को दूध चाहिए कि हमारे शरीर को शराब चाहिए? लेकिन पीने वाला से पूछो क्या बोलेगा? वो गाड़ा है, वो मत पीना। शराब पीने से 3 मिनट के अंदर में ताकत आता है, कितना मिनट में? अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग भी 2 पैक मार लिए तो जवान आदमी को बोले आ जाओ आ जाओ, इतना ताकत आता है, आता नहीं आता है। और अरे यार आ जाओ देख लेते हैं, दूध पिए के पाएगा तो अभी तो तब कौन सा पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए कि दारू पीना चाहिए? अरे यार तुरंत देता है, दूध पिएंगे आज उसका नशा आएगा मालूम है कब? 1 बरस बाद, समझना क्या? लेकिन ये मालूम नहीं है, एक दूध अगर आप पिएंगे तो धीरे धीरे उसकी ताकत समझ में आएगा, लेकिन जिंदगी भर काम आएगा। आप अगर दारू का ताकत लेंगे तो 3 मिनट के 3 घंटा ही रहेगा, उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। तो ये हमारे न्यूट्रिशन मल न्यूट्रिशन होने का मेन कारण है, हमारे शरीर को एक अच्छा पोषक नहीं मिल पाना। जो 30 वर्ष पहले वाले जो भोजन में न्यूट्रिशन था वो न्यूट्रिशन हमारे भोजन के अंदर में रहा, लेकिन हमें उतना न्यूट्रिशन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन मिलता जितना पहले आपको बता दें, जितना फल या बेदाना या सब्जी के अंदर में जितना स्वाद था पहले या ताकत था पहले उतना भी है नहीं है। इसी के लिए पहले वाले आदमी को अगर देखा जाए, अगर किसी का बाल पत्ता था, बाल अगर उजला हो गया तो समझ में आ जाता था ये बुढ़ा हो गया। अभी अगर बोले बाल देख करके बुढ़ा और जवान घोषित करे तो 12 वर्ष का लड़का भी बुढ़ा की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है? 10 वर्ष के लोगों को ही बाल पड़ना चश्मा लग गया आने का सबसे बड़ा कारण है। अगर देखा जाए भारत सरकार के रिसर्च के अनुसार तो हमारे इंडिया में 90% जवान लोग जो है डिप्रेस्ड है, कितना परसेंट? 90 तनाव में जीता है। अब तनाव आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी। सबसे ज्यादा टेंशन कहां पैदा होता है? जब हमारे पॉकेट में पैसा नहीं रहता है। अगर आपका पॉकेट हमेशा भरा हुआ है, हमेशा पैसा पॉकेट में रहे, आपका मन एकदम खुश रहेगा। जब मन खुश रहेगा तो आधी बीमारियां अपने आप आ जाएगी। एनर्जी टॉनिक, पैसा क्या है? एनर्जी टॉनिक। ये उठाने की क्षमता भी नहीं है बॉडी को, लेकिन जब पॉकेट में पैसा रहेगा इतना एनर्जी मिलेगा यहां से कि पता भी नहीं चलेगा उठ करके कहां चल जाएगा, जो कोई पता एनर्जी पावर क्या बात है, जो रहा था लिख सके। एक दिन हमने आदमी हम भी समझना गया, ताकत चाहिए तो क्या पाओ? जिसके पास जितना बड़ा पैसा है उसके पास उतना बड़ा मोटिवेशन है। पैसा से ही पैसा बनाया जाता है,
समझ में आया ना, लाखपति बनना ही मुश्किल है, करोड़पति बनना बहुत आसान है। लाखपति लाखपति क्योंकि हमने जब रिएक्शन को ज्वाइन किया तो हमको लगता था कि 5000 आ जाए तो बढ़िया है, कितना आ जाए इतना सोचता यार 4 बरस पहले कि कैसे भी 5000 आ जाए तो ये सभी हम खाने पीने लगे आराम से, फ्री में पिताजी से कुछ मांगने की जरूरत। अष्टा बन गया 4 महीने के अंदर में 52 हो गया, कितना आ गया। उसके बाद अगर ना 5000 से कुछ होने होने वाला नहीं, 10000 हो जाता तो मजा आ जाता। हमें 6वें महीना भी स्टार रूम भी बन गया 18148 रुपया, 5000 जब आया था ना बहुत मेहनत किए थे, डेली हम मीटिंग करते थे, डेली तो लोगों को बताते थे, डेली घर में जाकर के समझाते थे। चलो मानता देखिए रिएक्शन में आप काम करेंगे तो 3 ही काम होगा, कितना काम होगा 3 बार होगा बस, और कुछ होता है नहीं। रिएक्शन में कोई लाठी डंडा आता होगा, 3 काम होगा। जब रिएक्शन किसी को बताने जाएंगे तो 3 काम होगा, कुछ लोग मानेगा कुछ लोग नहीं मानेगा और कुछ लोग भगाएगा, 3 काम होता है। कुछ ने बड़ा होना चाहिए चाहे पढ़ लिख करके गाय अपना चाय बेचने चलता है। जब हमने डीएसएम को जो शुरू किया था तो कुछ लोग माना भी और कुछ लोग नहीं माना, और कुछ लोग बोलता था पढ़ लिख करके और कोई काम नहीं मिला था क्या, क्या करता है गली गली जाकर के चाय बेचता है। अच्छा चाय बेचता है डीएसएम में, कभी किसी आदमी को सर पे टोकरी लेकर के चाय लो बोलते हुए देखे हैं, कभी देखे हैं? अरे चाय बेचते नहीं है भैया, इसके गुण के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में आंटी है मिल गई मार्केट में, बता दिए बिक गया। चाय बेचता है कोई क्या? नहीं। आपको एक चीज बता दे, आपको दुनिया में जितने भी अमीर आदमी है सभी के सभी कुछ ना कुछ बेच रहा है, ये तो इमेजिन करके देख लीजिए। दुनिया में जितने भी अमीर आदमी आ जाए, करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, आज वो कुछ ना कुछ बेच करके ही बन, कोई चड्डी बनियान बेच रहा है सलमान खान शाहरुख खान क्या कर रहा है, कोई बीमन पान मसाला बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, कोई सीमेंट बेच रहा है, कोई नवतन तेल बेच रहा है, नैपकिन सब कुछ। अब बता दे जितना 100 हिट फिल्म में अमिताभ बच्चन को नहीं मिल सकता है उससे कई गुना ज्यादा नवतन बाला ने दे दिया। जितना अमिताभ बच्चन के 100 हिट वो देता पूरे इंडस्ट्री में, पैसा नहीं कमाए होंगे उतना उसको नवरत्न बाला दीजिए, ठंडा ठंडा फूल लगाओ खोपड़िया में बस कैसे बता, ठंडा ठंडा खोपड़ी होगा कि ना होगा उससे कोई गारंटी नहीं है। सचिन तेंदुलकर अपने पूरे जीवन भर में जितना वो मैच से पैसा नहीं कमाया उतना पैसा उसको एमआरएफ टायर और ल्यूमिनस बैटरी वाला दीजिए, है ना, पता होता है ना, इसी के लिए बता रहे। दुनिया में जितने भी अरे देवन भीमन सैफ अली खान भीमन पान मसाला कौन सदा बाहर गुटका क्या क्या चीज आता है सब छड़ सीमेंट सब तो बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। आज बेचने वाला ही पूरे दुनिया में अमीर है, खाने वाला और देखने वाला तो आराम से पॉकेट से पैसा जा रहा है। अमीर बनना है तो कुछ ना कुछ बेचना ही, भैया पर गंजी बनियान चड्डी बेच करके सब जहर गुटका पान मसाला भीमन पान मसाला जहर बेच बेच करके कोई अमीर बन सकता है भैया, हम तो क्या है, हम तो अमृत बेचते हैं। Thank you.